जिला उद्योग बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित मामलों का निस्तारण प्रमुखता के आधार पर किया जाए ताकि कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि गीडा और औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं जैसे अतिक्रमण, सड़क, बिजली आदि के निरीक्षण अपर जिलाधिकारी नगर के साथ संबंधित अधिकारी करके समस्याओं को दूर करें। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का बिजनेस डेवलपमेंट प्लान का दीर्घकालीन योजना तैयार किया जाए। इसके अतिरिक्त शासकीय योजनाओं से संबंधित कोई भी पत्रावली बैंकों में अनावश्यक लंबित न रखी जाए। पत्रावलियों का निस्तारण समयबद्ध ढंग से बैंकर सुनिश्चित करे ताकि उद्यमियों को भटकना ना पड़े। इस अवसर पर एक जनपद एक उत्पाद की समीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु उद्यमियों से संपर्क कर आवेदन पत्र ऑनलाइन करने की कार्यवाही चल रही है। इस योजना में माह सितंबर तक कुल 98 आवेदन बैंकों को प्रेषित किया गया है, जिसमें 30 आवेदन पत्र स्वीकृत कर लिया गया है और 17 आवेदन पत्रों पर 32.75 लाख मार्जिन मनी वितरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु भौतिक लक्ष्य 96% प्राप्त हुआ है। माह सितंबर तक 153 ऑनलाइन आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित है, जिसके सापेक्ष 37 आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत भौतिक लक्ष्य 106% प्राप्त हुआ है। अब तक 205 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं, जिसमें 41 आवेदन पत्र बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया है और 17 आवेदन पत्रों में मार्जिन मनी वितरित की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासकीय योजनाओं संबंधी पत्रवालियों के समयबद्ध निस्तारण में बैंकर्स अपना पूरा योगदान दें, अन्यथा जिन बैंकों की प्रगति खराब पाई गई तो उनके विरुद्ध शासन को पत्र भेजा जाएगा। बैठक में उपायुक्त उद्योग रवि शर्मा सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी और उद्यमी मौजूद रहे। कोई बैंक करने को राजी नहीं है। 50 के ऊपर जब हम जाते हैं आदमी बैंकिंग प्राइवेट बैंक का कोई काम करता नहीं था, कोई एंटरटेन नहीं करता है। घर की काम है उसको दौड़ा दौड़ा के खड़ा कर देता। अब देख ये जितने खास तौर पे जो प्राइवेट बैंक करते हैं ये तो उनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करके भी राजी नहीं। टारगेट्स हैं, इंडस्ट्री भी है, प्रोजेक्ट वायबल भी है, तो क्या समस्या आ रही है? ये फीडबैक हर जगह से हो सकता है, तीन तरह के एक क्रेडिट इवैल्यूएशन टेक्निक जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं हो सकता है। या तो आप हमारे सरकारी सिस्टम में, क्योंकि सरकारी बैंक में तो यही सिस्टम है, आ करके ही रहें